हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं सुनरमा। दोस्तों आज की हम लोग बात करने वाले हैं एवा लॉन्च AVAX कॉइन के बारे में। AVAX कॉइन से रिलेटेड क्या अपडेट निकल के आ रही है, नेक्स्ट बुल रन के लिए इसका टारगेट क्या हो सकता है, क्या ये अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा और क्या नेक्स्ट बुल रन के लिए इस कॉइन को बाय करना एक सही डिसीजन होगा, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है नेक्स्ट बुल रन के लिए। उस प्लेलिस्ट में हमारे नेक्स्ट बुल रन के कॉइन की लिस्ट और इसके अलावा नेक्स्ट बुल रन के लिए हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, इन सब से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। जैसे कि आज की जो वीडियो है ये भी आप सभी को उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ। दोस्तों आजकल देख रहे होगा आप लोग जो एवालांच कॉइन है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। ये डॉज कॉइन को बीट करके 9वें रैंक पे चला गया था, अभी फिर से ये 10वें रैंक पे आ गया है। पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो लगभग 90% के करीब ये पंप हो चुका है। इसका प्राइस आज से एक महीने पहले $17 के करीब का चल रहा था और इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया वो लगभग $42 के करीब का लगा। एवालांच एक लेयर वन कॉइन है, जैसे BNB, FTM, सोल कॉइन उसी प्रकार का। एवालांच की अगर सप्लाई देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम है अदर कॉइन्स के मुकाबले और 50% के करीब का जो कॉइन है वो मार्केट में आ चुका है। इसका जो ऑल टाइम हाई रहा है वो रहा $146 के करीब का, जो कि पिछले बुल रन में 2021 में बनाया था, और इसका जो ऑल टाइम लो रहा है वो लगभग $3 के करीब का रहा है। ये कॉइन आप सभी को बाइनेंस और कुकॉइन जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजों पे मिल जाएगा। अगर आप इनके ट्विटर अकाउंट पे आएंगे तो आप सभी को यहाँ पे पिन किया हुआ मैसेज दिया जाएगा जिसमें लिखा हुआ है गेमिंग ऑन AVAX गोइंग बिग इन 2024। तो इसका मतलब यह है कि 2024 में इस पर बहुत सारे गेमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए। इसके पहले मैंने आप सभी को 15 कॉइंस में एक MC शेयर किया था, वो गेमिंग प्रोजेक्ट था और गेमिंग का नया चैन लाया और उसका जो प्राइस है वो लगभग 4x के करीब का पंप हुआ। इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ज्यादा हाई है, उस लेवल पे पंप तो नहीं दे सकता है लेकिन फिर भी ये बहुत ही बढ़िया जा सकता है। इसका एक गेमिंग हैंडल है, इस पर आप जाके जो भी इनके नए नए प्रोजेक्ट हैं उससे रिलेटेड क्या अपडेट आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। इनके जो अर्ली प्रोजेक्ट है उसमें जुड़ के एयरड्रॉप का भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ IDO में व्हाइट लिस्ट भी पा सकते हैं। IDO से रिलेटेड बहुत सारे लोग क्वेश्चन, अगर आप लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि 2024 में बहुत सारे प्रोजेक्ट के IDO आ रहे हैं तो उनमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, ये होता क्या है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनका जो इकोसिस्टम है वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इनका जो टोटल वैल्यू लॉक है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ क्रिप्टो जो इनके नेटवर्क पे स्टेक किया गया है वो लगभग 1 बिलियन के आसपास है। 2021 में ये टॉप पर गया था लगभग 21 बिलियन के करीब। एवालांच इकोसिस्टम पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आप सभी को दिख जाएंगे, जिसमें से एक बैंकी, उसके ऊपर आप सभी को JOE मिल जाएगा और नीचे आएंगे तो आप सभी को यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट मिलेगा जिसका नाम है पेंगोलिन AVA और लास्ट प्रोजेक्ट शार्पनल, जो कि इनका जो गेमिंग ट्विटर है उस पे आप सभी को बहुत बार देखने को मिलता होगा ये नाम। तो ये 5 प्रोजेक्ट दोस्तों एवालांच इकोसिस्टम पे मेरे हिसाब से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं आने वाले दिनों में। आप इसमें थोड़ा अपना एनालिसिस करने के बाद इन प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा सकते हैं। अब आते इसके चार्ट को देखते हैं तो इसका अक्टूबर महीने में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। बहुत दिनों से इस बार ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और उसी के कुछ दिनों बाद गोल्डन क्रॉस देखने को मिला और आप देख रहे होंगे सोल कॉइन के बाद ये कॉइन अच्छा परफॉर्मेंस किया। अभी इसका प्राइस जहाँ पे है वो एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है और जिस प्रकार से इसमें पंप देखने को मिला है थोड़ा सा अभी आप और वेट कर सकते हैं जो लोग बाय करने की सोच रहे हैं। ये जो मैंने ग्रीन बॉक्स बनाया हुआ है इस जोन में आता है तो आप बाय कर सकते हैं। इस कॉइन में आप DCA कर सकते हैं क्योंकि बढ़िया प्रोजेक्ट है, ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। मूवमेंट भले इसकी स्लो होगी, जितने भी लेयर वन प्रोजेक्ट है वो इस सब ट्रेंड में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छा जाएगा। अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट और रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके बाद आप सभी को यहाँ पे $50 के करीब जाते देख सकता है, उसके बाद $64 के करीब का। और रही बात क्या ये अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है, तो बिल्कुल लगा सकता है। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से मार्केट अपट्रेंड लेना स्टार्ट किया है उस प्रकार से देखो तो इतना बड़ा लार्ज कैप कॉइन अगर एक महीने में 100% के आसपास पंप हो रहा है और इस साल आप देख सकते हैं 200 से 250% के करीब का प्राइस ऊपर गया है, तो अगर ये कॉइन अपना ऑल टाइम हाई भी लगा ले नेक्स्ट बुल रन में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जिन लोगों ने इसको हाई प्राइस पे बाय करके रखा है होल्ड करके रखिएगा और जो मैं प्राइस बताया हूं यहां पे आप DCA कर सकते हैं अगर आप लोग इस कॉइन में जाना चाहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वज्रेक्स कॉइन के बारे में, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको किस कॉइन से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। बाकी नेक्स्ट बुल रन के लिए अगर आप लोग कोई कॉइन बाय करने की सोच रहे हैं तो ऊपर आई बटन आप सबको 2 वीडियो मिल जाएंगे, उन दोनों को आप जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।